हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो चलिए, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 18 जून के कुछ एक इम्पोर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया। और ये लेक्चर हमारा डेली आता है। और हाँ, मैंने पहले भी ये बताया था, आज फिर से एक बार रिपीट करो, हमारा एक न्यू चैनल बन चुका है जिसमें हम लोग सभी बुक के सॉल्यूशन को सिर्फ डिस्कस करते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा ग्रैपल। ग्रैपल मतलब होता है कि हाथापाई करना, पकड़ना, किसी भी सिचुएशन को, सिचुएशन पे अपनी पकड़ बनाना। जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं, दो लोग हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जमीन पर गिरा दिए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रैपल। यानी कि इसमें रेसलिंग तो होता है, हाथापाई होता है, बट बिना किसी आर्म के, बिना किसी वेपन के। द रेसलर मैनेज टू ग्रैपल हिम टू द ग्राउंड। रेसलर उसे पकड़कर, हाथापाई करके जमीन पे गिराने में सफल रहा। द गवर्नमेंट हैज टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी जैसे प्रॉब्लम से, समस्या से निपटने का कोशिश करना होगा, या उसे किसी तरह होल्ड करना होगा उस समस्या को, मतलब पकड़ना होगा उस समस्या को। सिनोनिम्स देखते हैं, कन्फ्रंट, कॉन्टेंट, कोप। कोप मतलब सामना करना उसे। एंटोनियम्स फ्री, अवॉइड, रिलीज। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। रेसलर ने उसे बुरी तरह से ग्रैपल कर लिया, यानी कि बुरी तरह से पकड़ लिया, जिसके बाद उसे अपील करना पड़ा छोड़ने के लिए, तब जाके वो छूटा। यानी कि उसे अपील, आप लोगों ने युद्ध मतलब रेसलिंग का मैच देखा होगा जिसमें कि टैप करना पड़ता है हाथ को, हाथ को टैप कर दो यानी कि आप हार गए। मतलब यही मेरे सेंटेंस का कहने का मतलब है। रेसलर ने उसे इतनी बुरी तरह से पकड़ा कि उसे टैप करना पड़ गया अपने आप को छुड़ाने के लिए। चलते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, जो कि हमारा है डी क्राई। ये बट पार्ट स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है निंदा करना, दोष देना। ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तानाशाही नहीं चलेगी। ये पुलिस के खिलाफ लोग एक मार्च निकाले हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती लाठीचार्ज किया था स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट का एक मार्च निकाला हुआ है। यानी कि डी क्रैक का मतलब क्या हुआ, पब्लिकली किसी की निंदा करना। यहाँ पे मार्च निकाल के वो लोग पुलिस की निंदा कर रहे हैं। सेंटेंस देखते हैं, ट्रंप इज डिक्राइंग चाइना फॉर हाइडिंग द ट्रूथ अबाउट कोरोना वायरस। ट्रंप पब्लिकली हमेशा निंदा करते रहते हैं, दोष देते रहते हैं चाइना को कि उसकी वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। क्यों? क्योंकि उसने ये सच सबसे छुपाए रखा, और जब पूरा फैल गया तो फिर ये सच बाहर लाया। ईच पार्टी इज डिक्राइंग अदर्स फॉर करेंट सिचुएशन, ब्लेम गेट ईच स्टार्टेड। क्या कर रही है आजकल पार्टी, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का दोष दे रही है, निंदा कर रही है कि उसने ये अच्छे तरीके से काम किया, यानी कि ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सिनोनिम्स देखते हैं, अब्यूज, क्रिटिसाइज, ब्लेम। एंटोनिम्स देखते हैं, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के डिक्राई करने के बाद भी पुलिस ने लाठी चार्ज के ऑर्डर को क्लेरिफाई नहीं किया, कि पुलिस ने लाठी चार्ज का क्यों ऑर्डर दिया था वो क्लेरिफाई नहीं किया। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि हमारा एमिलियोरेट। पार्ट से स्पीच है, वर्ब के अंदर आता है, इसका मतलब होता है प्रगति करना, उन्नति करना, सुधरना। इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये ग्राफ देखिए कितना धीरे, जीरो से स्टार्ट होते होते ये टॉप पे पहुंचा, इसी को हम लोग बोलते हैं अमिलियोरेट। गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन टू अमिलियोरेट द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया क्या, किस चीज के लिए, सिचुएशन को, स्थिति में सुधार करने के लिए, स्थिति में उन्नति करने के लिए। फॉरन एड इज नेसेसरी टू अमिलियोरेट द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के सिचुएशन से निकलने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हमें फॉरन एड की जरूरत है, यानी कि विदेशी सहायता की जरूरत है। सिनोनिम्स देखते हैं, एलिविएट, लाइटन, इम्प्रूव। एंटोनिम्स देखेंगे, एग्रावेट, एग्जाजर्वेट, इंटेंसिफाई, यानी कि और ज्यादा बढ़ा देना, उन्नति ना करना, और ज्यादा मामला को गंभीर कर देना। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, कोरोना वायरस के कारण लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन अमिलियोरेट होने की जगह और खराब हो रहे हैं, यानी सिचुएशन सुधरने की जगह और ज्यादा ज्यादा खराब हो रहे हैं। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा बिफिटिंग। पार्ट से स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है उपयुक्त, उचित। जैसे कि ये मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तस्वीर इसलिए लगाई क्योंकि इन्होंने चाइना को एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया कि अगर वो अपने हाथों से बाज ना आए तो इंडिया भी चुप नहीं रहने वाला है। सेंटेंस देखते हैं, गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी बिफिटिंग डिसीजन अहेड ऑफ कोविड-19। सरकार को पता चल चुका था, इसराइल सरकार, इटली सरकार सबको बोल रही थी कि कितना बुरा हाल होता है कोरोना से, फिर भी भारतीय सरकार ने उसको एकदम सीरियसली नहीं लिया, कोई भी एक उपयुक्त डिसीजन कोरोना वायरस को लेकर नहीं लिया। ही मेरे सेंटेंस का खाने का मतलब, इस थ्योरी रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट बिफिटिंग। उसका जो थ्योरी है आर्थिक संकट को लेकर वो उचित नहीं है।
सिनोनिम्स देखते हैं कंफर्मिंग बिहेविंग करेक्ट एंटोनिम्स देखेंगे इनएक्यूरेट अनसुटेबल अनफिट टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे इंडिया के बिफिटिंग रिप्लाई देने के बाद भी चाइना सेम मिस्टेक कमिट कर रहा है यानी इंडिया ने उचित रिप्लाई दे दिया धमका दिया चाइना को बट फिर भी चाइना नहीं मान रहा है चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर जो कि हमारा रोबस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है मजबूत ठोस यानी कभी ठोस कदम उठाने का जरूरत पड़ जाए ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं इस बंदे के पास पांच रास्ता है लेकिन इसे एक ठोस कदम उठाना है कि उसे कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है उसी को हम लोग बोलेंगे रोबस्ट इंडिया हैज टू टेक रोबस्ट डिसीजन अगेंस्ट चाइना चाइना के खिलाफ भारत को एक ठोस डिसीजन लेना चाहिए लेने की जरूरत है आफ्टर हिज लॉस ही सीम्स टू बी अ रोबस्ट पर्सन उसके लॉस के बाद वो और ज्यादा मजबूत या ठोस पर्सन बनते जा रहा है क्योंकि आपको पता है किसी का अगर कुछ लॉस हो जाता है ना उसके बाद वो मेंटली और फिजिकली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं उस टाइप के सिचुएशन से लड़ने के लिए सिनोनिम्स देखेंगे बूमिंग प्रोस्पेरस टफ एंटोनिम्स देखेंगे फ्रेजाइल इंपोर्टेंट इनकैपेबल टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे रोबस्ट डिसीजन का रिजल्ट कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है सो हम लोगों को एडजस्ट करना चाहिए डिसीजन के साथ हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट की आप लोग कामना नहीं कर सकते कभी कभी रोबस्ट डिसीजन का निगेटिव भी रिजल्ट होगा तो उसे भी हम लोग को स्वीकार करना चाहिए यहाँ डिसीजन का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है आप लोग सही कर लेना एस होगा सी की जगह सेकेंड सी की जगह तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू गाइस थैंक यू वंस अगेन